हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक साइबर मेनिया में। और दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में आप देख सकते हैं, आज का वीडियो कुछ हटके है। और दोस्तों, मैं नहीं चाहता जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, रियल लाइफ में फेस कर रहा हूँ, वो आप लोग ना फेस करें। तो आज का वीडियो छत का लेंटर डालने से लेकर कैसे हमने बिजली की फिटिंग्स वगैरह रखनी है, कैसे स्विच रखने हैं, कैसा सरिया बांधना है, इससे रिलेटेड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये दोस्तों हर किसी की लाइफ में एक ना एक टाइम जरूर आता है जब उसे ये चीज़ें फेस करनी होती हैं। दोस्तों, पहले जब मैंने फर्स्ट अपना ग्राउंड फ्लोर बनाया था, तो उस टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था। वो कहते हैं ना कि जैसा जैसा टाइम निकलता है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। तो इस बार मैंने सामने रहकर, अपने सामने खड़े होकर ये चीज़ें करेक्ट की हैं, क्योंकि मकान जो है दोस्तों, लाइफ में एक ही बारी बनाया जाता है, बार बार नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मैं आज आपको वीडियो में एक से बढ़कर एक चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमने लेंटर डालना है। सबसे पहले दोस्तों, जिस मशीन के थ्रू लेंटर डाला जाता है, हमने सबसे पहले वो मंगाई। और उस मशीन को रखने के लिए दोस्तों, कम से कम आपका जहाँ आप लेंटर ऊपर डाल रहे हैं, उस मशीन के लिए एक स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कभी भी बालकोनी की तरफ से या जहाँ से आपका कंटिलीवर छज्जे वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, आपने सामने से मशीन को नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत भारी होती है। इस पे माल ऊपर जाना होता है, फिर वो लिफ्ट नीचे आती है, तो इसमें काफ़ी जोखिम होता है। तो आपने स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ छज्जे होते हैं, वहाँ की तरफ से आपने इस मशीन को फिट नहीं करवाना है, आपने साइडों में ही फिट करवाना है, जहाँ से दीवार वगैरह को कहीं नुकसान ना हो। तो इस मशीन को आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मशीन को फिट करने में इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। और आपने कभी भी, जब भी आपकी छत लेंटर का काम स्टार्ट होगा, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कभी भी शाम के टाइम कभी भी लेंटर नहीं डलवाना है। आप सबसे पहले उन्हें बोल दीजिए कि हमें दिन के टाइम ही, रोशनी के टाइम में लेंटर डलवाना है। तो इस मशीन को फिट करने में दोस्तों, इनको कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा लग जाता है। तो उस हिसाब से आपने अपना रूटीन बना लेना है कि हमने किस टाइम ये स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, ये इतनी भारी है, चार चार पांच पांच बंदों से भी ये नहीं खिसकती है। तो ऐसी जगह में रखवाना है जहाँ पर कोई नुकसान दीवार खिड़कियों को, कंटिलीवर को ना हो। इसके बाद दोस्तों, हमारी मशीन लगने का काम, मतलब उन्होंने लगा दी थी जहाँ पर उसे लगाना है। इसके बाद ये रस्सियों को अच्छे से बांध रहे थे, क्योंकि मशीन काफ़ी हैवी होती है, तो इसको अच्छे से बांधना भी ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं, ये मशीन यहाँ पर लग चुकी है। और ये देख सकते हैं, अब आप मशीन ऊपर आ रही है। ये जो इन्होंने यहाँ पर कॉलम्स बांध रखे होते हैं लोहे के, इसके थ्रू ये देखिए ऊपर आ रही है। और ये बंदा इसको खींच कर अपनी दोनों ट्रॉलीज में भर देता है अच्छे से। ये मशीन का दोस्तों काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है। कहीं ये 9,000, कहीं ये 10,000 पर डे के हिसाब से ली जाती है। तो देख सकते हैं आप, देखिए उसने इशारा कर दिया और मशीन नीचे, जो बंदा खड़ा है उसने नीचे का प्रेस बटन दबा दिया। और ये देखिए, अब ये बंदा किस हिसाब से सारे छत में इस मसाले को बिछाएगा। ये दोस्तों बड़ी बात होती है कि हमें जब यहाँ, जब ये मसाला बिछ रहा होता है, तो आपको ये ध्यान से देखना है कि वो छत की मोटाई कितनी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे ठेकेदार थे, उन्होंने एक ईंट, ईंट को हाफ में काट लिया, और उस ईंट को जैसे इन्होंने रखी हुई है यहाँ पर, उसके हिसाब से उतनी मोटाई तक लेंटर को बिछाया। देखिए उसने अभी ईंट उठाई है, और जहाँ जहाँ पर ये ईंट रख रहे हैं,
उस हिसाब से छत को उतनी मोटाई दे रहे हैं। तो आपने ये स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज का ध्यान कोई नहीं रखेगा। इसके बाद दोस्तों आपने ये हाथी की सूंड जैसी मशीन, जो लेंटर जब आपने डाला है, ये लेंटर के मिक्स मसाले के अंदर जरूर डलवानी है। इससे मसाला चारों तरफ अच्छे से फैल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। और ये सारा काम दोस्तों आपने अपने सामने रहकर ही कराना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी ऊपर नीचे रह गया तो छत की मतलब वो बात नहीं रहती, कहीं पानी ठहरा जाएगा, कहीं पानी निकल जाएगा। तो आपको एक सार छत बनवानी है, सामने रहकर बनवानी है। और जहाँ जहाँ दोस्तों आपने मतलब ये मसाला डलाया है, हमने डाला है, वहाँ वहाँ ये मशीन ज़रूर लगवानी है। देख सकते हैं आप, प्रॉपर वे में ही लगवानी है, ताकि मसाला अच्छे से पूरे छत में मिक्स हो जाए, कहीं गैप ना रहे, अदरवाइज वो बारिश में चोने लगता। देख सकते हैं आप, ये पूरे छत को प्रेशर दे देती है, और जहाँ पर सीमेंट हमारे हाथों से नहीं पहुँचता, ये उस कोने कोने में भी अपनी हवा के प्रेशर से सीमेंट को पूरा अच्छे से फैला देती है। एक अच्छा ठेकेदार होना भी दोस्तों बड़ी बात होती है। वो देखिए मेरा लगा रहा है, कहाँ कहाँ पर लगा रहा है, प्रॉपर वे में काम करवा रहा है। लाइटें लगेंगी जिसके ऊपर। तो ये है दोस्तों हमारी हाथी की सूंड वाली मशीन। इसके बाद दोस्तों मैंने सामने रहकर अपने कंटीलीवर जो हमारे छज्जे हैं वहां पर भी मसाला डलवाना शुरू कर दिया, और स्पेशल यहां पर भी मैंने वो हाथी की सूंड वाली मशीन का यूज करवाया है। देख रहे हैं आप, अभी यहां पर मसाला डाल रहे हैं ये लोग। अच्छे से फैलाना मसाले को जरूरी है। और अब एक क्लोज लुक मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जहाँ से हमारा मसाला प्रॉपर मशीन के थ्रू ऊपर आ रहा। देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारी मशीन ऊपर आ गई है, इसके अंदर मसाला भरा हुआ है, और ये हमारे दोनों ट्रॉलीज में मसाला भर गया है। अभी ये बंदा नीचे वाले को फिर एक सिग्नल देगा निकालने के बाद। अच्छे से सिग्नल, मौसम देखिए ऐसे में डाल रहे हैं, छत का काम चल रहा है यहाँ पर, आप सोच सकते हैं सब डरे हुए। देखिए, पर जो माता ने लिखा है वो होके ही रहना, हमारी छत बढ़िया तरीके से डलेगी ठंडे में।
और दोस्तों ये अक्सर देखा जाता है जब भी किसी का मकान का काम स्टार्ट होता है, यानी मतलब बोलने का मतलब है जब भी हमारा लेंटर डलता है किसी का भी, तो उस टाइम जब बारिश का मौसम ना भी हो तो बारिश होके ही रहती है। ये पता नहीं कुछ है सभी के साथ, मौसम ऐसा हो गया था, मौसम में बिल्कुल करवट बदले, दिन का बिल्कुल दिन तक तो बिल्कुल बारिश का कोई सीन नहीं था, एकदम धूप लगी हुई थी, डलते डलते ही एकदम से हवाएं वगैरह शुरू हो गई और बूंदाबांदी भी यहाँ पर चालू हो चुकी है। जिस तरह लोगों को देख सकते हैं कितने मुश्किल तरीके से ये काम करना होता है। बट अगर माता का आशीर्वाद हो तो बारिश भी हमारे लिए अच्छी ही होती है छुट्टे इस टाइम के लिए, क्योंकि लैंटर हमारा लगभग 15-20 मिनट में ही जम जाता है। छत का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। वाइब्रेटर है, लाइट जा चुकी है। और अब हमारा लगभग सारा काम हो चुका है, हमारा लेंटर डल चुका है, बारिश ने जितना आना था आ चुकी है, लाइट जा चुकी है, देख सकते हैं बारिश की बूंदें सीमेंट के ऊपर भी गिर रही हैं। बट इसमें डरने की लोड नहीं है, जो होगा दोस्तों देखा जाएगा। अच्छे से हमारा लेंटर डल चुका है और आधे से ज़्यादा तो ये भी पक भी चुका है। जो मशीन लगाई हुई थी वो नीचे खींच ली है उन्होंने, मतलब काम उसका पूरा हो गया है। बढ़िया काम किया है आज। तो ये है दोस्तों हमारा फाइनल बारिश होने के बाद का सीन। थोड़ा सा पोर्शन रह गया यहाँ पर, ये खड़े हो रखे हैं, जब ये सामान चला जाएगा तो ये भी हमारा फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ आपने इसमें ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अभी अभी मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।